सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं टेक मोहित। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को थंबनेल देखकर तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज की वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो जी हां, आज हम बनाने वाले हैं एक प्रोफेशनल टाइप का चैनल बैनर लोगो। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा दें ताकि हमारी हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको बनाने के लिए दो चीज़ की जरूरत होगी। एक है जो ये एप्लीकेशन, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वरना ये आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगी। तो सिंपली इसका नाम है पिक्सल लैब। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स इसे यूज़ करते हैं। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको खुलने के बाद मिल जाता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको चलना है 3 डॉट्स पे, उस पर क्लिक करना है। आपको सेट करना है सबसे पहले इमेज साइज़, तो इमेज साइज़ पे चलना है। ये कस्टम पे लगा हुआ है, कस्टम हमें नहीं चाहिए, हम चाहिए यूट्यूब चैनल बैनर, उस पर क्लिक करेंगे हम तो अपना अपने आप ये अपना साइज जो है वो सेट कर लेगी। उसके बाद ओके कर देना है हमें। उसके बाद हमें अपना लोगो तैयार करना है। तो चलिए अब मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ वीडियो को। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि हमारा लोगो तैयार हो चुका है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें सिंपली जाकर इस बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, सेव एज प्रोजेक्ट और सेव एज इमेज। तो हमें सेव एज इमेज पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अपने आप कस्टम साइज ले लेगा। उसके बाद आपको सिंपली सेव टू गैलरी कर देना है। सो फ्रेंड्स देखिए, अभी सेव टू गैलरी हो चुका है, जो हमारा थंबनेल था वो हमें गैलरी में आ चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपको अपने चैनल पे कैसे अपडेट करना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, क्रोम में चलना है और अपने चैनल को ओपन कर लेना है। सिंपली मैं अपने चैनल को ओपन कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से आपको ओपन कर लेना है। ओपन होने में थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि जो कि चैनल होते हैं, अब हम अपने लोगो पे क्लिक करेंगे। मैं क्लिक किया, अभी बहुत सारे ऑप्शन बन के आएंगे इसमें। तो हमें इसमें सिंपली क्या सेट करना है, हमें लगता है योर चैनल, हमें अपने
लोगो पे क्लिक करके योर चैनल पे क्लिक कर देना है चुपचाप। देखिए योर चैनल पे मैंने क्लिक कर दिया है। सो फ्रेंड्स देखिए कुछ इस तरीके से आ गया हमारे पास चैनल। उसके बाद हम क्या करना है, कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करना है। तो देखिए मैंने कस्टमाइज चैनल पे क्लिक कर दिया है। यहाँ नेट स्लो है फ्रेंड्स आज सुबह सुबह, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा। अब आपको क्या करना है, आपको जूम करके इस चैनल पे जो पूरा है चैनल है उस पर क्लिक करना है और उस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए लिखा आएगा दो ऑप्शन, एडिट लिंक्स और एडिट चैनल आर्ट। तो हमें एडिट चैनल आर्ट पे क्लिक करना है। अब देखिए आपसे कहेगा एक इमेज अपलोड करने के लिए जो भी आपने बनाई है, जिसका साइज आप पा सकते हैं अगर, तो वही सेम साइज है जो हम लोग ने अपने चैनल बैनर का निकाला है, और मैक्सिमम फाइल साइज 6 MB। तो अब हम क्लिक करते हैं जहाँ पे आपने अपना रखा हुआ है बैनर, उसको सेव कर दिए। अब ये अपलोडिंग हो रही है, ये अपलोडिंग होने में थोड़ा टाइम ले सकता है, ये डिपेंड है आपके नेट की स्पीड पे। तो कुछ इस तरीके से आपको लोगो दिखेगा आपका। तो अगर आपको एडजस्ट करना है तो आप सिंपली इस एडजस्ट के बटन पे जाकर कर सकते हैं, वरना आप सीधी बात सिलेक्ट कर दीजिए और आपका ये जो बैनर है ये आप अब देखिए सेविंग ये सेव्ड, अभी आपका नया बैनर आ चुका है। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस पे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।